आगे बढ़ाइए इधर इधर। दिलदार नगर के इस मेला मंडी से हम एक और नई भैंस को दिखा रहे हैं। दांत में दो बताई जा रही है। जो लोग पहचानने वाले लोग होंगे वो भैंस को देखते ही जान जाएंगे कि ये नई है कि पुरानी है। ये दो दांत में बताई जा रही है, ये पहली दांत में है। क्या बोला सुबह तोहरो बना दी निक लगा था बोलत का। इसका बच्चा क्या भैया? बच्चा पड़ा। 15 रोज का बच्चा है, इससे कम नहीं, ऊपर ही होगा। चार दांत की पढ़िया है। इस पढ़िया का दूध कितना होगा? 14 लीटर। उतना दूध का होगा? का होगा, डेयरी में दिया है। नहीं, ज्यादा हो जा रहा, हमको कम दूध वाली भैंस चाहिए। कम दूध नहीं है ना इसमें भैया, 10-11 लीटर मान के चले। चलिए 12 तो आम बात है, 12 आम बात है। ले आइए भैया अपनी नई भैंस को घुमा कर ले आइए। दांत में चार है, चार दांत में पहली बयान में है। जिनकी भैंस है वो भैया इसका 14 लीटर दूध बता रहे हैं, लेकिन आप लोग 10-12 लीटर दूध के आधार पे इसकी खरीदी कर सकते हैं। एक अच्छी नई भैंस है, जरा आप अच्छा दाम बताइएगा असली लेने देने वाला। दाम इसका देखिए ऐसे हम 1.40 रखे हैं। बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं? बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं, दाम लग रहा है। भैंस जाती भैंस है, जाती भैंस, हाँ, मुरहा नस्ल का बच्चा है। लेने देने वाला बताइए तो कहाँ तक हो जाएगी आपकी भैंस? 1.20 तक हो जाएगी। 1.20 पड़ा। जिनकी भैंस है हम उनसे बारीकी से बात कर रहे हैं, तो इसका कीमत 1.20 के करीब बता रहे हैं। शायद इनकी खरीदी भी ऊंची हुई होगी, है ना? ऊंची हुई होगी, खरीदी ऊंची किए हैं और इसीलिए कीमत भी थोड़ा ऊंचा है। चीज भी अच्छा है, चीज भी अच्छा है। लेने देने वाला के दाम बता दीजिए तो एक और बारीकी से। 1.10 लास्ट दाम। अरे भैया अभी कच्चा 1,10,000 रुपए में इस भैंस को यहाँ पे बताया जा रहा है। ना बहुत छोट है का इस भैंस की खरीदी करने के लिए। देखिए आजमगढ़ से कुछ लोग आए हैं, ये मोहित चाचा हैं, आजमगढ़ से आते हैं और बराबर इस मेला मंडी से 2-3 भैंस की खरीदी करके लेके जाते हैं। इनके सहयोगी ये मोछू चाचा इधर देखिए, बिहार से आते हैं और खरीदी में मदद करते हैं, है ना? इन लोग की जोड़ी हमेशा बनी रहती है। तो अभी कोई भैंस खरीदे हैं कि? बहुत ज्यादा दाम मांग रहे हैं, ज्यादा दाम मांग रहे हैं और अपनी हिम्मत से कहीं ना कहीं लग रहे हैं भैंसों की खरीदी करने में। वहां पे देखिए सामने 2 भैंसों को देख रहे हैं लोग। वही चाहिए, आज किस बजट में आप भैंस ले जाएंगे खरीद के? वही 60-65-70 ही लेंगे। 60-65-70 आप पहले 50 के अंदर खरीद लेते थे, अब बहुत महंगा हो गया। मांग हो गए, 65-70 लेना पड़ा। ये छोटी सी भैंस है, इसका छोटी ये तो चलेगी। एक सौदा कराइए, देखिए यहाँ पे सौदा की बात लगी चलना। बहुत छोट, गमछे के अंदर जो चलता है सौदा, है ना, दबाने का, तो ये जैसे एक उंगली है। नहीं नहीं बता रहे, हाँ बताइए ताकि जो नए लोग हैं वो जाने। जो है इतना ये 40, वो तो हम जानते ही हैं। गमछा हटाइए, हम बता रहे हैं ये खेल कैसे होता है। भाइयों को हम बताना चाह रहे हैं, भाइयों देखिए एक एक उंगली 10-10 हजार की है, है ना, 10-10 हजार की है। अगर ये मोछू चाचा की हम ये पूरी हथेली को ऐसे दबा देंगे तो 50 हजार हो गया। और हाँ, और जैसे ये 50 हो गया ना एक बार दबाएं, और फिर एक बार दबा देंगे तो 55 हो जाएगा, और फिर देख मान के चलिए 50 ये हो गया और 2 ये दबा दिए तो 70 हो गया। ऐसे ही चलता है इसमें।
आप लोग ये समझिए कि जहाँ गमछे में हाथ डाल दिया गया वहाँ आपका खेल खत्म। मैं मछू चचा, गमछे में जो हाथ डाला जाता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हमको, हाँ वो जान गए, वो जानते, हम जानते हैं, जानते हैं। हम नए लोगों को बताना चाह रहे थे कि एक एक उंगली 10-10 हज़ार की है ना। जो सौदा होता है गोपनीय होता है, हम दो लोगों के बीच सौदा हो जाएगा तुरंत गमछे के अंदर, और बगल वाले लोगों को जो खड़े हैं या देख रहे हैं उन्हें मालूम तक नहीं चलेगा कि कहां तक कहां सौदा हो गया है ना। देखिए उस संदेश दे दिए गमछे के अंदर डाल के, इस तरह से क्या होता है कि एक वैल्यू बना रहता है बेचने वाला और खरीदने वाले के बीच, है ना। अगल बगल के लोग नहीं जानेंगे कि कितने रुपए में इसका हो रहा है सौदा। अब हम बता रहे हैं कि कितने में इसकी, मतलब बेचने वाला व्यक्ति कितना रुपए इसकी मांग रहे हैं। मोछू चचा थोड़ा दीजिए इशारा, ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए हम कर रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? दोनों का एक उंगली दबा दिए और 4,04,000 रुपए में इन दोनों भैंसों को बताया जा रहा है। यानी एक भैंस 52 के आसपास पड़ रही है। आप मान के चलिए ये थोड़ी ऊंची हो जाएगी, है ना, 52,000 रुपए में एक भैंस पड़ रही है, जबकि इस तरह से इसको देखा जाए तो ये 50 के आसपास वाली है, 50 के अंदर अंदर, छोटी कद होने के वजह से। ये ठीक है, थोड़ी ऊंची है। अगर इन दोनों भैंसों में से किसी भी भैंस की बिक्री हो रही है, खरीदार व्यक्ति खरीद रहे हैं, तो तुरंत हम आप लोग को दिखाएंगे। बहुत से भाइयों का कमेंट होता है कि विपिन भाई इस मेला मंडी से हमें गाड़ी मिल जाएगी कि नहीं, कहीं भी ले जा सकते हैं। जब आप लोग यहाँ भैंस खरीदने के लिए आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि भारत में कहीं भी ले जाने के लिए गाड़ियाँ मिल रही है। अब गाड़ी वाले को क्या है कि पैसे की ज़रूरत है, आप कहीं भी ले जाइए, महाराष्ट्र ले जाइए, गुजरात ले जाइए, मध्य प्रदेश ले जाइए, है ना, कहीं भी भैंसें चली जाएंगी। दिलदार नगर के इस मेला मंडी से देखिए एक गाभिन पड़िया की बिक्री हो रही है। हाँ, ये वास्तव में गाभिन पड़िया है। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी बिक्री कितने रुपए में हो रही है, खरीदार व्यक्ति कितने रुपए में खरीद रहे हैं। मालूम चला कितने में? 56,000 रुपए में बताई जा रही है। जो भी ये जानकारी आप लोगों तक दी जा रही है, स्पष्ट दी जा रही है और साफ सुथरी। एक पर्ची इस मेला मंडी से बनती है तो पूरी पूरी वो पर्ची 500 रुपए की तैयार होती है। इसका फैनुस निकाला जा रहा है। खरीदने वाले व्यक्ति व्यापारी हैं और अभी अभी इसको 56,000 रुपए में खरीद लिया। एक आंख में सफेदी है और एक तरफ काला है। आप एक भैंस दिलाते हैं अगर किसी को तो कितना रुपया लेते हैं? 500। मेहनत से किसी भी भाई को अगर एक कोई बाजार डाल खाली वीडियो बना ही, मेहनत से किसी भी भाई को 500 रुपए बताते हैं कि फीस है, फिर उसका जेब काट लेते हैं बगल से। लाइन चालू नहीं की, वीडियो चालू ना हो, लाइन ही बना रहे। ये वीडियो चालू है भैया, जलेबी लिया उसे पहले, देख रहे हैं ना आप लोग, ये जलेबी की मांग कर रहे हैं। सब्सक्राइबर घटा दे, फुल डाल दे, उल्टा सीधा हम
हूँ। मतलब हम सही दिखाएं तो सब्सक्राइबर घटा देंगे। चल जिलेबिया खा ले। कितना मांग रहे हैं इसका? 500। आप कितना लगा रहे हैं? 59। इस भैंस को पूरे 65,000 रुपए में बताया जा रहा है, जिनकी भैंस है उनके द्वारा, और खरीदने वाले व्यक्ति 59,000 रुपए लगा रहे हैं, यानी 60,000 रुपए में 1,000 रुपए कम। इस भैंस की खरीदी के लिए बातें चल रही है खरीदार और बेचने वाले व्यक्ति के मध्य। ये भैंस यहाँ पे तुरंत बिकती है तो हम तुरंत दिखाएंगे कि कितने रुपए में इस भैंस की बिक्री हो रही है। बच्चा इसके पास पाड़ा है, ताजा बच्चा है। इस सीजन में सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली होती है वो बच्चे को लेके होती है ना। जब भी भैंस की खरीदी करें तो बच्चे को जरूर देखें कि बच्चा इसी भैंस का है कि नहीं। जब बच्चे को लेके आप आगे बढ़ेंगे तो भैंस पीछे पीछे आ जाएगी। और बाबू छोड़ दीजिए, चला दे। नहीं नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए बाबू, रहने दो। ओके दे दे ले बनी, अब ना ले बता हमार का दे, हम बतावा कॉल जला कि हम दे दे ले बनी दीदी वाला सुनना। हम नहीं थी दीदी के जीत कह रहती है ना, तो 70 ले कम में ना भरे। जीत का मतलब है, जीत का मतलब ही होला। खरीदने वाले और लेने वाले के बीच देखिए इस भैंस का सौदा भी हो गया। बच्चे को देखिए यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। आजमगढ़ से ये मोहित नाम के चाचा आते हैं। कई बार हमारे घर गए हैं। मोहित चाचा, हाँ कितनी बताई हुई है? है? कितने बताई हुई है? 65,000। 65। मोछू चाचा सौदा कराए हैं 60 पे हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के आप अनुभवी व्यक्ति हैं। कहाँ घर में पड़ता है आपका चाचा? हमारा नाव का भोजपुर, भोजपुर बिहार से आते हैं। आई आजमगढ़ का हैं। ये आजमगढ़ के हैं मोहित जी। ये पूरा 65 पे अड़े हुए थे है ना, 60 पे अब 60 पे दिला रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक और गाभिन भैंस की बिक्री हो रही है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी बिक्री कितने रुपए में हो रही है, यानी खरीदार व्यक्ति कितने रुपए में इस गाभिन भैंस की खरीदी कर रहा है। इसका फैनुस निकाल के देख रहे हैं लेने वाले व्यक्ति, बारीकी से जांचते हैं ये लोग कि इसके थन में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। बिक गई कितना में भैया? 55। ठीक है, कितना मिलेगा तुमको? खरीदार व्यक्ति इस भैंस की खरीदी पूरे 55,500 रुपए में कर ली। ये गाभिन भैंस अभी कच्ची मना रही है, ब्याने में बहुत समय ले जाएगी, महीने भर से कम नहीं ले जाएगी। 55,500 में हमारे साथ कैमरे के बगल में गोरख भैया हैं और ये बोल रहे हैं कि ये भैंस जब भी आएगी तो 3 महीने का समय ले जाएगी। जून में भी आएगी ना, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से खरीदी गई है जिस रेट में, वो बहुत महंगा है। 55 महंगी है। हाँ, एक महीना का 10,000 खर्चा धरिए, ये तो बात है, तो 3 महीने का 30,000 और 55,000 85,000 की ना भैंस पड़ेगी। फिर भी सही है महंगाई के हिसाब से। ग्राहक ले जाएगा दूध खाएगा कि मूत पिएगा अभी बताइए।
हम इसको समझ रहे हैं कि बहुत जाएगी, डेढ़ महीने ले जाएगी। हाँ बच्चा अभी इसका पते नहीं, 6 महीना हुआ है कि 7 महीना हुआ है। तो कहाँ बाबू, उसका कुछ है नहीं है अभी।